पाली एसीबी द्वारा नागौर में ट्रैप की कार्यवाही करते हुए 90,000 की रिश्वत देने के आरोप में पकड़े गए आरोपी को आज कड़ी पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसीबी पाली के एसीबी उपाधीक्षक महिपाल सिंह चौधरी ने बताया कि मकराना के जलदाय विभाग में कार्यरत एएन सीताराम के खिलाफ परिवादी द्वारा 2 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एएन सीताराम द्वारा उनकी फर्म का करीब 10 लाख का बिल पास अब तक नहीं किया गया है। इसके एवज में 10% की रिश्वत मांगी जा रही है। इस मामले की शिकायत पर 3 जनवरी को सत्यापन किया गया और 5 जनवरी को ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम दिया जाना था, लेकिन इस दौरान वह सफल नहीं हुए, जिसके बाद परिवादी द्वारा 12 जनवरी को एक बार फिर रकम देने के लिए फोन कर बुलाया गया और 13 जनवरी को ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम देते हुए 90,000 की रिश्वत के साथ एएन सीताराम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित इस मामले में कड़ी पूछताछ के बाद पाली एसीबी ने अजमेर स्थित एसीबी कार्यालय में आरोपी को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायाधीश द्वारा आरोपी सीताराम को न्यायिक अभिरक्षा में 28 जनवरी तक देख भेजने के आदेश दिए गए हैं। 2 तारीख को हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, 3 को सत्यापन हुआ, फिर 5 को प्रयास हुआ, फिर 12 को डिमांड करने पर इन्होंने वापस, 13 को हमने ट्रैप कार्रवाई की। एएन पीएचडी के हैं मकराना के श्री सीताराम, और आज उनको माननीय एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया 28 जनवरी तक। किस लिए मांगी थी सर रिश्वत? रिश्वत जो परिवादी है, इनकी फर्में हैं, इनके कोई बिल थे पहले जो पास हो गए, उनके 10% के हिसाब से रिश्वत राशि की डिमांड की जा रही थी, और इनके नए जो बिल थे उनको अग्रेसित और फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा था, इनके द्वारा वेरीफाइड नहीं किया जा रहा था कि जब तक पुराने बिलों का जो रिश्वत राशि का 10% का जो मेरा हिस्सा है वो जब तक मैं इसको अग्रेसित नहीं करूँगा।